श्री सदगुरु महाराज की जय। फांसी की सजा से उबार। लेखक गुरुसेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। यह घटना सन 1985 ईस्वी की है। एक दिन एक सत्संगी जिनका नाम बिंदेश्वरी शाह जी था, प्रातःकालीन सत्संग के पश्चात पूज्य गुरुदेव संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के निवास स्थान महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर आए। उस समय पूज्य गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। मैं वहीं पर समीप में बैठा हुआ था। वे सत्संगी मेरे पास आकर फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए धीरे से ही रोने का कारण पूछा। वे रोते हुए ही बोले, बाबा हम बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए हैं। गांव के ही ऊंची जाति के लोगों ने बिना अपराध का हमको खूनी केस में फंसा दिया है। वे लोग काफी पैसे वाले हैं। उन लोगों को बड़े बड़े लोगों के साथ लगाव भी है। हम गरीब आदमी हैं, किसी से लगाव भी नहीं है। यह केस ऐसा है कि इसमें हमको फांसी भी हो सकती है। अगर फांसी की सजा हो जाएगी तो हमारे सब बाल बच्चे बुड़ जाएंगे। यह कहकर वे फिर जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते बोले, बाबा गुरु महाराज जी से आशीर्वाद दिला दीजिए, हमारे तो एक यही रक्षक हैं। यह कहकर वे फिर जोर जोर से रोने लगे। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अच्छा आप चुप रहिए, मौका पाकर आशीर्वाद दिला दूंगा, अभी बाहर ही में रहिए। वे सज्जन मेरी बात मानकर गुरुदेव के निवास के बाहर आश्रम में ही इधर उधर घूमते रहे। इधर पूज्य गुरुदेव तुरंत ऐसी मौज में आ गए कि कुछ निवेदन करने का मौका ही नहीं दिए। मौज में आकर शरीर छोड़े हुए सत्संगियों का नाम ले लेकर बहुत जोर से बिगड़ने एवं फटकारने लगे। ऐसी मौज भरी अवस्था को देखकर मुझे कुछ निवेदन करने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसी मौज में भी कुछ रहस्य ही हुआ करता था जो हम अज्ञानी जीव समझ नहीं पाते थे। जब दोपहर की चिलचिलाती धूप हुई तब व्हील चेयर में बैठा कर टहलाने का आदेश हुआ। जब ये चिलचिलाती धूप में टहलने के लिए निकले उसी समय वह आशीर्वाद मांगने वाला व्यक्ति अंतर व्यथा से व्यथित होता हुआ एक ही धोती पहने और ओढ़े हुए पूज्य गुरुदेव के सामने आकर तथा उनके पावन से चरणों में माथा टेक कर रोने लगा। सब कुछ जानते हुए भी पूज्य गुरुदेव करक कर बोले, कौन है, पकड़ो इस आदमी को। आदेश होते ही मैंने उनके हाथों को पकड़ लिया। फिर आदेश हुआ कि रस्सी से इसके हाथ पांव को बांधकर लुगड़ा दो। रस्सी नहीं है हुजूर, ऐसा कहने पर बोले, इसकी धोती खोलकर इनके हाथ पांव को कसकर बांधो। ऐसा आदेश होने पर उनकी पहनी हुई धोती के आधे भाग से उनके हाथ पांव बांध दिए गए और वहीं धूप में लुंगड़ा कर छोड़ दिया गया। पूज्य गुरुदेव यह कार्य अपने सामने करवाकर तब आश्रम की बाहरी सड़क पर टहलने के लिए गए। थोड़ी देर बाद जब टहलते हुए उस स्थान पर आए तब स्वयं उन्होंने उस व्यक्ति की खोज की कि वह व्यक्ति कहाँ है। वह व्यक्ति उसी जगह उसी तरह चुपचाप लेटा हुआ था। पूज्य गुरुदेव अपने सामने उनके बंधन खुलवाकर तथा आशीर्वाद देते हुए बोले कि तुम आश्रम से जल्दी सीधे बाहर चले जाओ। वह व्यक्ति प्रणाम कर चला गया। दूसरे दिन जब कचहरी में हाकिम के सामने हाजिर हुआ तो बिना किसी पैरवी का हाकिम ने उसे रिहा कर दिया। इसके दूसरे दिन उस व्यक्ति ने आश्रम आकर पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया और कचहरी की बीती हुई सभी बातें मुझे बता दी और बोले कि पूज्य गुरुदेव की दया से फांसी की सजा से मुक्ति मिल गई। मेरे पूछने पर उन्होंने अपना नाम विंदेश्वरी शाह और गांव का नाम नन्हकार बताया था जो भागलपुर जिला में पड़ता है। श्री सदगुरु महाराज की जय।